राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संयुक्त सिविल जज ए बाबर मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 ने आज वाड़ी थाने में जागरूकता शिविर का आयोजन किया था। शिविर ने मूल अधिकारों और कर्तव्यों, बच्चों के अनुकूल कानूनी सहायता और कानूनी साक्षरता शिविर पॉस्को कानून पर मार्गदर्शन प्रदान किया। जज ए बाबर ने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उनके साथ बुनियादी कर्तव्य भी बताए गए हैं। उन्होंने बुनियादी कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कहा कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए ताकि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो। वाड़ी की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ासे ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मोटर वाहन का उपयोग करते समय वाहन बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि यह कानूनी अपराध के साथ साथ सामाजिक अपराध भी है। जागरूकता शिविर में नागरिकों को चुनौती दी गई कि पुलिस से संवाद स्थापित कर अपराध पर अंकुश लगाना उनके लिए आसान होगा। इस दौरान जज ए बाबर, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ललिता तोड़ा से, अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक भरत कराड़े, एपीआई गणेश फूलकवर, एपीआई ज्ञानेश्वर धवले सहित अन्य पुलिसकर्मी और नागरिक उपस्थित थे। महाराष्ट्र के कानून और न्याय विभाग ने ग्राम पंचायत लाबा में कानून विषय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जज ए बाबर, पीआई ललिता तोड़ा से, विकास लाड़े, कांचन माने, सुजीत नितनवारे, ज्योत्ना ताई नितनवारे सहित गांव के सभी कर्मचारी और नागरिक उपस्थित थे। 9 नवंबर अपन राष्ट्रीय विधि सेवा दिवस म्हणून साजरा करतो, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण नागपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण वाडी पोलीस स्टेशन अधिकार क्षेत्रामध्ये आज जे काही छोट्याशा प्रमाणात शिबिरचं आयोजन केलेलं होतं, त्यामध्ये मूलभूत ज्या काही सेवा पुरवल्या जातात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण नागपूर यांच्यातर्फे, जे वंचित आहेत, ज्यांना कायद्याबाबत मूलभूत माहिती नसते, तर त्यांना देखील कायदेविषयक बाबींवरती माहिती देऊन त्या अनुषंगाने जनजागृती व्हावी हा उद्दिष्ट हेतू ठेवून आम्ही या ठिकाणी सर्वजण झालेलो होतो।